Morning, students. I am just going to start a new lesson which is related with chemistry. So that is the synthetic fibers and plastics, है ना? तो fibers के बारे में आप तो पीछे के classes में भी पढ़ा है आपने fibers और synthetic fibers के बारे में. तो इस particular chapter में हमें कुछ ज्यादा पढ़ना है, कुछ details में पढ़ना है, synthetic fibers के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ इस plastics के बारे में पढ़ना है. तो पहले मैं फाइबर्स से शुरू करता हूँ. ये फाइबर्स होता है क्या है ना, फाइबर्स होता है क्या है? तो फाइबर्स इज व्हाट, ए थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच ए वेजिटेबल टिश्यू मिनरल सब्सटेंसेस और टेक्सटाइल इज फॉर्म. मतलब एक थ्रेड लाइक फिलामेंट है जिससे कि एक वेजिटेबल टिश्यू या मिनरल सब्सटेंसेस और टेक्सटाइल इज फॉर्म या फिर टेक्सटाइल फॉर्म करते हैं. And fibers and these fibers are used to make clothes and different articles. और इन्हीं fibers की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं या फिर दूसरे तरह के कई articles भी बनाए जाते हैं, ठीक है? तो अब बात होती है fibers, types of fibers. तो types of fibers इसको दो major category में बांटा गया है. पहला है natural fibers और दूसरा है man-made और synthetic fibers, ठीक है? तो natural fibers के बारे में आप देखिए, ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाँ, नेचुरल फाइबर्स हम लोग कहाँ से ऑप्टेन करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से. जैसे कि सिल्क फाइबर है, सिल्क वॉर्म से, कॉटन है, कॉटन प्लांट से, ऊल है, शिप और गोट से, और भी है, जूट है, जूट प्लांट से, फ्लैक्स है, फ्लैक्स प्लांट से. ये सारे नेचुरल फाइबर्स है ना. दूसरा है मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है? तो इनको कैसे, क्या करते हैं हम लोग, मेड इन फैक्ट्रीज. इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है बाय यूजिंग केमिकल्स की मदद से, है ना? तो कुछ एग्जांपल है इसके, रेयन है, नायलन है और सो मेनी अदर्स, बहुत सारे हैं, ठीक है? अब मैं इसको पहले सिंथेटिक फाइबर जब मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले एक टर्म है उसको जानने की जरूरत है, वो है पॉलीमर्स, ठीक है? तो पॉलीमर्स, तो ये जो वर्ड है आपको ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट और यूनिट, ठीक है? तो एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स को समझने से पहले इसको समझना जरूरी है. तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो होते हैं, चाहे सिंथेटिक फाइबर्स हो चाहे प्लास्टिक हो, आर मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल्स. जिन मॉलिक्यूल्स के वो बने होते हैं उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है? इसलिए पॉलीमर्स की चर्चा पहले की गई है. तो मॉलिक्यूल्स बाय विच सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स आर मेड आर कॉल्ड पॉलीमर्स. लेकिन इसको जब डिफाइन करना हो उसको इस तरह से करेंगे, पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स. एक दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं. पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन. एक लंबा चेन बना होता है. चेन में कैसे, वो जो हम लोग गले में नेकलेस पहनते हैं, नेकलेस में बहुत सारे जो मोती लगे होते हैं, तो एक बहुत सारा मोती एक दूसरे से जुड़ के क्या होता है, एक पूरा हार बनाता है. तो वैसे ही वो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. और एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, लिंक करते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो ये पॉलीमर्स हुआ. और ये जो छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में लिंक होकर जुड़कर पॉलीमर्स बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में लिंक्ड होके बड़ा मॉलिक्यूल्स, ह्यूज मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं. तो पॉलीमर्स आर व्हाट, व्हेन एवर यू हैव टू डिफाइन इट, तो यू डिफाइन इट लाइक दिस वे, पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली consisting of long chains made from thousands of similar molecules. एक ही तरह के हजारों molecules के मिलने से बनते हैं, similar small molecules जिनको हम लोग monomers कहते हैं, ठीक है? The structures can be compared. आप इसके structure को अभी बताया आपको, वो necklace से आप कर सकते हैं, या जो देख रहे हैं आप ये necklace है. तो बहुत सारी इस नेकलेस में बहुत सारे बीड्स हैं जो मोती हैं, मिलकर क्या करता है, एक बड़ा सा नेकलेस बनाता है. तो इस नेकलेस को आप समझिए क्या है, पॉलीमर्स है, ठीक है? और ये जो छोटे छोटे बीड्स इसमें लगे हुए हैं
इनको हम मोनोमर्स कह सकते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर्स बना रहे हैं जो ह्यूज मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में भी जुड़े हो सकते हैं, इसको लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, एक दूसरे से लिंक होकर इस तरह से लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपको क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो पॉलीमर्स के बारे में सारी जानकारी हुई। अब सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस, ये फाइबर्स होते हैं ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं थ्रू केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस मतलब केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा ऑफ रॉ मटेरियल, और किसका केमिकल सिंथेसिस होता है, रॉ मटेरियल, कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं जैसे कोल है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम ऑयल, है ना, नेचुरल गैस है और सो मेनी अदर्स है, और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, इन फैक्ट्रीज, ठीक है, कारखानों में, और इसी को हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस थ्रू केमिकल सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, रेयन है, नाइलन है, पॉलिस्टर है, आर्कलिक है, और भी कई सारे हैं। तो और इन बाकी जो अलग अलग अगले लेक्चर में मैं ये जो सारे मैंने अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं, रेयन, नाइलन, पॉलिस्टर, आर्कलिक, अगले लेक्चर में मैं इंडिविजुअली सबके बारे में डिस्कस करूंगा, सबके प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, और हर एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर मेंशनड एग्जांपल है उनका अलग अलग यूज क्या है, किन चीजों में इन सब फाइबर्स का यूज करते हैं, इसकी जानकारी मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा।